बच्चों, आज हम वाचन मेला इस पाठ की पढ़ाई करने वाले हैं। पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। यह एक वाचन मेले का दृश्य है। मेले में बहुत सारी पुस्तकें हमें दिखाई दे रही हैं। अब हम यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उसका वर्णन करते हैं। एक बड़े खुले परिसर में यह पुस्तक मेला लगा हुआ है। इस मेले में बहुत से स्त्री और पुरुष बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं, जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर ले जाया जा रहा है। आगे एक छात्रा हाथ में सूचना फलक लेकर चल रही है, जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। एक अन्य छात्रा उसके हाथ में और एक सूचना फलक है, जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई पड़ रही हैं। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं, जैसे किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान कथा इत्यादि। हर एक विभाग में बहुत सी पुस्तकें रखी हुई हैं। बाल साहित्य विभाग में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसे विभाग भी बने हुए हैं। इनमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में है। पास ही विज्ञान कथा विभाग है। यहाँ एक छोटा लड़का एक लड़की से बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहा है। पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिखाई दे रहे हैं। शायद वो वहाँ पर वयस्क साहित्य रखा हो और उसके खरीदारी के बारे में चर्चा कर रहे हों।